गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आरोही रहती है वो अश्विनी को लेके घर पर आ जाती है और उसे बहुत प्यार से बिठाती है, उसका केयर कर रही रहती है। जैसे जैसे वो उसकी तरफ देखती है उसे पुराने दिन याद आते हैं, जब वो लोग स्कूल टाइम पे थे, तब कैसे अश्विनी की वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था और अश्विनी उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस हो गई थी कि उसने सब कुछ उस समय ब्लर था उसके सामने, और इसी वजह से जैकलीन और उसका भी एक्चुअल में ब्रेकअप हो चुका था। आरोही वही सब चीज़ों को याद करती है, फिर उसे ये चीज़ याद आती है कि अब उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अश्विनी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो उस पर ऑल टाइम डिपेंड नहीं रह सकती है, कल जाके वो अपनी लाइफ खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जिएगी और उस समय आरोही उसके पास नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। ये सब सोचकर वो यहाँ से डिसाइड करती है और आरोही ये डिसाइड करके वो जाने लगती है। तभी अश्विनी उसे बहुत फोर्स करके बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, पर पहले आरोही मना करती है, फिर अश्विनी की इतने बार बार बोलने पर आरोही उसे लेके जाने के तैयार हो जाती है। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है, जो अश्विनी रहती है वो आरोही का बार बार हाथ पकड़ रही रहती है और उसे बहुत टाइटली हाथ पकड़ते हुए चल रही थी। तभी आरोही बोलती है, अश्विनी तुम थोड़ा दूर होकर भी चल सकती हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, ऐसे क्या बच्चों की तरह तुम मेरे पास चिपक रही हो। तभी अश्विनी बोलती है, इसे क्या हो गया है सडनली से, मैं तो हमेशा से ही ऐसी चलती हूँ। तो पर अश्विनी को यहाँ लगता है कि आरोही उससे गुस्सा है कल की बातों के लिए, क्योंकि कल उसने सब कुछ मैसेज करके नहीं बताया। तो अश्विनी फिर से उसके पास जाके खड़ी हो जाती पर उसे टच नहीं करती है। फिर दोनों साथ साथ चल रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वो वहाँ से ऑटो करती है और बोलती है कि ऑटो डायरेक्ट यहाँ के स्टूडियो लेना। तभी अश्विनी कहती है, सुनो ना, वहाँ तक हम डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, ट्रेन से ट्रैवल करके चलते हैं ना, यहाँ से अपन स्टेशन चलते हैं, स्टेशन से वहाँ चलेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कम लगेगा। तभी आरोही एक नज़र अश्विनी की तरफ देख के बोलती है, मैंने कहा तुम बैठ जाओ चुपचाप। तो अश्विनी कुछ नहीं बोलती और बैठती और कहती, डायरेक्ट स्टूडियो ले चलो भैया, मीटर से चलोगे ना। तो कहते कि हाँ मैडम, और वो मीटर डाउन करता है और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। आरोही इस चीज़ का कुछ भी जवाब नहीं देती है अश्विनी को। तभी अश्विनी बोलती है, आरोही प्लीज़ मुझसे ऐसे मत रूठो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आई एम रियली सॉरी, कल मैंने तुम्हें नहीं बताया वो क्या था ऑडिशन का, इतनी जल्दी जल्दी से हुआ था, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाई, आई एम रियली सॉरी यार, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था, आई एम रियली सॉरी। तभी जो आरोही रहती है वो देखती है अश्विनी को और बोलती है, हाँ मैं समझ गई हूँ, तुम प्लीज़ अपना हाथ अपने पास रखोगी, बार बार तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो, थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलो ना। अश्विनी को अब थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह कहती, क्या हो गया यार तुझे, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मैं तो हमेशा से तुझसे ऐसी चिपक के चलती हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है अब। तो आरोही बोलती, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें बोला ना मैंने दूर रहो। तो वह कहती, अरे क्या हो गया यार, ठीक है मैंने तेरा ध्यान नहीं दिया, मैंने मतलब मुझे मैसेज करना चाहिए था, आई एम सॉरी, बट यार ऐसे तो रूठ मत ना। तो आरोही कहती है, प्लीज़ विल यू शट अप यार, तुम मुझे इरिटेट मत करो, मुझे ऑफिस में जाके भी बहुत काम है, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चुप मुंह बंद करके चलो, 100 सवाल का जवाब पूछोगी मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगी, और अगर गुस्सा आया ना तो तुम्हें घर वापस भेज दूंगी। तो तभी अश्विनी कहती है सॉरी, और ये बोलकर वो बाहर की तरफ देखने लग जाती, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगती। तभी हम थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं जहाँ पर अश्विनी अपने वो दिन याद कर रही थी। दिन कुछ रहता है, संडे का दिन था, आरोही, अश्विन, कैशमीरा और इनकी एक नई दोस्त आती है जिसका नाम रहता है टीना, चारों के चारों मिलते हैं और तभी अश्विन उसे बोलता है, हाय टीना। अश्विन जो रहता है वो टीना के साथ काफ़ी ज़्यादा बात करने लगता है और टीना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है, और जो कैश और आरोही रहते हैं वो ये चीज़ें नोट कर रहे थे और बहुत अच्छे से नोट करते ही जा रहे थे, जिसमें जो कैश होती है वो आरोही को कहती है, इसे क्या हो गया, ये टीना के पास क्यों जा रहा है इतना। तो आरोही कहती है, मुझे क्या करना, जाए तो जाए, तुम चलो यहाँ पर। फिर ये लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट पे जाते हैं और बैठता है, और जो हमारा अश्विन रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड टीना के साथ करने लगता है, टीना से बात करता है, टीना का ख्याल रखता है, टीना को बहुत प्यार से रख रहा था, और इस बात पे आरोही को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी।
आरोही को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि कोई उसकी इम्पोर्टेंस कम करे। और उस दिन आरोही ने बिना बताए कैश के साथ वो उस रेस्टोरेंट से छोड़कर चली गई। और जब अश्विन का ध्यान एकदम से गया तो वो टीना की तरफ देख के बोला, ये दोनों कहाँ चले गए? तो टीना ने उससे बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही बिजी थी। तो यहाँ पर जब अश्विन को ये बात पता चलती है कि कैश और आरोही जा चुके हैं, तो वो अपना सारा काम छोड़ के टीना को भी छोड़ के भागते हुए जाता है, रेस्टोरेंट से बाहर जाता है। और फिर वापस आकर बोलता है कि टीना तुम घर चली जाओ, क्योंकि आरोही चली गई है शायद से और मुझे भी घर जाना चाहिए। और ऐसे भागते हुए जाता है, पूरा ढूंढता है, उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर वो घर आता है और अपनी कॉलोनी में आने के बाद सबसे पहले आरोही के घर जाता है, तो आरोही वहाँ पर भी नहीं मिलती है। वो आंटी से पूछता है, आरोही आए क्या? तो आरोही की मम्मी कहती कि नहीं, आरोही तो बेटा अभी तक आई नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना। तो वो कहता है कि हाँ आंटी, वो गई तो मेरे साथ ही थी, बट वो रेस्टोरेंट से जल्दी निकल गई कश्मीरा के साथ। तो वो कहते हैं तो कश्मीरा से पूछो, तुम्हारे पास फ़ोन होगा ना उसका? तो कहती है फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास कश्मीरा का, अश्विन बोलता है बहुत क्यूट तरीके से। तब इसकी मम्मी कहती है रुको रुको मैं फ़ोन लगाती हूँ। तो वो उसे फ़ोन लगाती है कश्मीरा को, तभी कश्मीरा बोलती है कि हाँ आंटी बोलिए ना। तो कहते हैं अरे तुम्हारे साथ ही है क्या आरोही? तो कहती हाँ आंटी हमारे साथ ही। तो कहते बेटा वो तुम कहाँ पर हो तुम दोनों? तो कहते आंटी हम लोग तो यहाँ पर ये मॉल आए हैं, इस मॉल में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा बेटा ठीक है, तो आरोही को टाइम पे घर भेज देना, रात नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो कहते ठीक है। ये बात आंटी एक्चुअली बोलने ही वाली रहती हैं कि एक्चुअल में अश्विन पूछ रहा है, बट वो हाथ हिला के बोलता है कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लेना, प्लीज़ प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, वरना जो जगह पता होनी थी वो भी पता नहीं चलेगी। अश्विन भी उस समय आरोही का माइंडसेट और ये सब चीज़ें समझ चुका था। थोड़ी देर के बाद वो जाता है भागते हुए उस मॉल के बारे में जो आंटी ने बताया था, वो वहाँ जाता है, वेट करता है, बहुत ढूंढता है घूमते घूमते, फिर उसे वहाँ पर मिलती है। तभी वो आता है उसके पास, उसका हाथ पकड़ के बोलता है अरे तू मुझे छोड़कर कैसे चली गई? तभी आरोही अपना हाथ छुड़ा के बोलती है समझ में नहीं आता है क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, और बार बार हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम मेरा, जाओ ना तुम्हें जिसके साथ जाना है, तुम्हारे लिए बाकी इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसे बोल के वो कश्मीरा का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है और कश्मीरा को बोलती है चल यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया, आगे चल के अपन खरीदेंगे। मेरी बात तो समझो। यहाँ पे अश्विन कहता है, आरोही बोलती है कैश प्लीज़ यार थोड़ा चल, मुझे सफोकेशन टाइप फील हो रहा है। और वो अश्विनी का हाथ पकड़ नहीं देता, अश्विन उसके पास जाता है और बहुत बार जाके खड़े होता है और बोलता है आरोही मेरी बात तो सुनना। और आरोही उसकी एक बात भी नहीं सुनती है, वो और पीछे जाता है और बोलता है कि मेरी बात तो सुन ले प्लीज़ सुन। पर आरोही उससे एक बार भी बात नहीं करती है और इस तरीके से आरोही उसे पूरे तरीके से इग्नोर करती है। और अब ऑटो में बैठे बैठे वही दिन अश्विन को याद आते हैं, अश्विनी को, कि कैसे बचपन में भी वो इसी तरीके से उसके साथ बिहेव करती थी। और अभी वो एकदम से टर्न होके आरोही की तरफ देखता है तो दिखती है तो तभी वो देखते हैं कि आरोही भी अश्विनी की तरफ देख रही है। और जब दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है तो आरोही बाहर की तरफ देखने लग जाती है। तभी अश्विनी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है यार इसे फ़र्क तो पड़ता है मेरे ना बोलने पे चीज़ों पे, पर ये बताती क्यों नहीं है। फिर ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और धीरे में स्टूडियो आ जाता है। जैसे वो स्टूडियो से ऑटो से उतर के स्टूडियो की तरफ जाते हैं, तभी वहाँ पे कैश आती है और कैश बोलती है हे अश्विनी तुम भी आई हो आज, क्या बात है, वेलकम टू माय स्टूडियो। तो अश्विनी बोलती है यार तुम मुझे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तो कहते अरे भाई वैसे आरोही किसी को लेकर नहीं आती है ना, वो अपने असिस्टेंट को तक नहीं लेकर आती है मेकअप के लिए, यहाँ का मेकअप करने के लिए सिर्फ वो ही आती है और तुम आ जाइए हो तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर बहुत सारी मॉडल्स रहती हैं और वो एक इवेंट होने वाला था, डांसिंग इवेंट, जिस डांसिंग के लिए अलग अलग ग्रुप्स की लड़कियां आई रहती हैं। और उसमें से एक ग्रुप की लड़की का पूरा जो मेकअप था वो हमारी आरोही को करना था। आरोही के कुछ असिस्टेंट्स भी आए थे, मतलब उसके दोस्त, जो
उसकी मदद करने वाले थे उसके मेकअप आर्टिस्ट के लिए, वो सारी टीम से मिलती है और अश्विनी को वहीं छोड़ देती है। और अश्विनी को वहाँ छोड़ने का मतलब था कैश्मीरा के साथ छोड़ देती है, और वो अपनी टीम के पास जाती है और वहाँ पर सबके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है और अपने कामों में लग जाती है। और यहाँ पर थोड़ी देर में जो कैश होती है वो कहती है, बेब मुझे भी थोड़ा ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ पे सारे इवेंट्स को देखना है, तो मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, तुम आराम से बैठो और इन्जॉय करो। थोड़ी देर में आरोही की नज़र ऐसी जाती है, टर्न होती है और कैश उसके पास आ ही रहती है, और दोनों की दोनों नज़र उधर जाती है तो अश्विनी को बहुत सारी लड़कियों ने इतना घूर के उसके साथ खड़े होकर सेल्फी ले रही थी और उसे बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रही थी कि स्माइल चीज़। और वहाँ पे अश्विनी भी बस छोटी छोटी बात पे स्माइल करते हुए ऐसे दिख रही थी। यहाँ पर कैश एकदम से आके आरोही को बोलती है, ये क्या चल रहा है? तो आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या चल रहा है मतलब क्या, जो दिख रहा है वही चल रहा है, तू मुझसे क्या पूछ रही है? तो कहती है, अभी ये क्या है, ये सारी लड़कियाँ अश्विनी के पीछे क्यों पागल हो गई हैं? तो वो बोलती है, उन्हीं लड़कियों से जाकर पूछ ले, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? तभी यहाँ पर आरोही इस तरीके से बोलकर मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। तभी कैश्मीरा को तो मज़ा आता है, तो वो जाती है उसके पास और बोलती है, हाँ हाँ अब समझ सकती हूँ तुझे काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही होगी, ऑफकोर्स तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो इतनी पॉपुलर है। तभी आरोही एकदम अपना मेकअप उस बंदी के मुंह से मतलब जो कर रही रहती है उसके लिए स्टॉप करती है और उसकी तरफ खड़े होकर देख के बोलती है, फर्स्ट थिंग मेरी बंदी नहीं है ना वो मेरी GF है, एंड सेकेंड थिंग ये तो हर बार का है, वो वैसी जहाँ जाती है ऐसे ही होता, जब वो बचपन में भी तो ऐसा ही हुआ था उसके साथ, तुझे याद नहीं है क्या? तभी कैश बोलती है, हाँ बचपन में हाँ याद है मुझे। तो कैश्मीरा उन दिनों बचपन के दिन याद करती है। फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं जहाँ पर जो हमारी कैश्मीरा रहती है वो याद करती है वो स्कूल के दिन जहाँ पर ये लोग इनकी एज थी 12 साल के, और 12 साल की एज में फर्स्ट टाइम जो अश्विन था वो स्कूल में आया था, और वो भी पेरेंट्स मीटिंग जब चल रही थी वो पेरेंट्स मीटिंग में आरोही के साथ आया था, और वहाँ पर स्कूल का रिजल्ट था तो वो लेने के लिए आए थे। तब अश्विन को इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम और इतना डैशिंग देखकर सारी की सारी लड़कियाँ जो उसकी क्लासमेट थी आरोही की, वो लड़कियाँ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और वो फटाफट आकर अश्विन से हाय हेलो किया। अश्विन को तो वैसे भी लड़कियों के साथ बातें करना, लड़कियों के साथ वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करता है, बहुत प्यार से क्यूट तरीके से बोलता है और बहुत प्यार से बात करने लग जाता है, उसके चीक्स पे भी ऐसे रखता है गाल वाल, सब उसके लोग गाल खींचने लगते हैं उसके, सब उसको बहुत प्यार से कर रहे रहते हैं। और जो आरोही रहती है और कैश्मीरा ये दोनों देखते शॉक्ड हो जाती हैं। तभी आरोही एकदम से बोलती, क्या कर रहे हो तुम लोग उसके साथ? तो कहते, यार कितना क्यूट लड़का है, देखो ना कितना क्यूट है, मतलब इसकी क्यूटनेस तो देखने लायक है, कितना क्यूट है। और वो बहुत क्यूट था। वहाँ पर एक्चुअल में जो क्लास टीचर मैम रहती हैं वो भी ऐसे बोलती हैं, अश्विन तो बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, तुम्हारा भाई है क्या? तभी आरोही ऐसे बोल के बोलती है, नहीं मैम मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त है। तो तभी वो अपने पापा की तरफ बोलती है, पापा चलो यहाँ से, और वो गुस्सा करते हुए अपने पापा का हाथ पकड़ के चली जाती है। तभी अश्विन बोलता है, अरे आरोही मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ, मुझे लेकर तो चलो। और फिर वो सारी लड़कियों को साइड करता है और आरोही के पीछे भागता है। तो ये चीज़ कैश्मीरा ने उस समय बचपन में देखी थी, वो याद करती है, और याद करते करते वो अभी भी अश्विनी की तरफ इस तरीके से देख रही थी। तभी आरोही बोलती है, कहाँ खो गई हो तुम? तो यहाँ पर जो कैश्मीरा रहती है वो कहती है, नहीं कुछ बचपन के दिन याद कर रही थी मैं, बचपन के दिन में भी मुझे याद है तुम ऐसे ही छेड़ती थी जब स्कूल के वो फर्स्ट डे पर आया था, मतलब पेरेंट्स मीटिंग में, और उसके पीछे इतनी सारी लड़कियाँ आजू बाजू फ़ोटोज़ खिंचवाने उसके गाल खींचने लग गई थी, तभी तुम अपने पापा का हाथ पकड़ के इतने गुस्से से वहाँ से निकली थी, और आज भी तुम यही कर रही हो। तभी आरोही कहती है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और ना मैं गुस्सा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अश्विनी के पीछे लोग पागल हों या कुछ भी हों,
वो मेरी एक दोस्त है, बात ख़त्म। तो तब यहाँ पर कैश बोलती है, आर यू सीरियस? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। तो कहती है, ओके। तो यहाँ पर जो कश्मीरा रहती है, वो मज़े लेने के लिए अश्विनी के पास चली जाती है और अश्विनी के पास खड़े होकर बोलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो यार अश्विनी, तुम तो मतलब यहाँ की सारी लड़कियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं, देखो कितने प्यार से तुम्हें हक कर रही हैं, कितने प्यार से। तो कहती यार, मुझे नहीं पता यार ये लड़कियाँ इतने प्यार से मेरे को हक क्यों कर रही हैं, इवन इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तुम किसी को भी नहीं जानते हो, बट यार लड़कियाँ तो तुम्हारे पीछे पागल हैं। तो कहता है, पता नहीं कश्मीरा कैसे लोग पागल हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहता है, हाँ हाँ चलो कैसा भी हो, वैसे तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आरोही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी वो एकदम से कश्मीरा की तरफ देख के बोलती है, वो तो आज सुबह से मुझसे गुस्सा है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है, मतलब अगर मैंने कुछ किया हो तो समझ में आए। और पता है इस बार कश्मीरा, मैंने तो उसे एक पल भी इग्नोर नहीं किया, मतलब पिछली बार मुझे याद है बचपन में अगर मैंने उसे इग्नोर किया था, वो याद है ना टीना लड़की के लिए, तभी कैश कहती है हाँ हाँ याद है मुझे। तो वो कहता है कि हाँ, तो उस बात पे इसने मुझसे पूरे के पूरे 3 दिन मुझसे बात नहीं करी थी, और मुझे बाद में पता चला था वो लड़की को मैंने इम्पोर्टेंस दी थी और इसे इग्नोर किया था इसलिए हुआ था, बट इस बार तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो तभी कैश हंसती है और हंसते हुए बोलती है, पता कर लो अश्विन, तुम तो स्मार्ट हो ना, तो पता करो। तो कहती है, यार तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें हर चीज़ पता रहती है, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता पाती हो। तो वो कहती है कि बेस्ट फ्रेंड तो तुम भी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों अपसेट है तुमसे। तो कहते हैं, अरे मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं पता कर लेती ना। तो कहते पता करो, और ऐसे बोलकर जो कैश होती है वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका इवेंट का ऑर्गेनाइज़र रहती है वो, तो वो इवेंट को देखने के लिए चली जाती है। बहुत प्यार से जाती है वहाँ पर, अपने काम और इन सब में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी आरोही रहती है, वो एक मेन लीडिंग हीरोइन का मेकअप करने गई थी, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट थी और प्रोफेशनल डांसर, इतनी अच्छी थी, और उसका मेकअप करने के लिए हर एक मेकअप आर्टिस्ट तड़पता था, क्योंकि वो हर किसी से मेकअप कराती नहीं थी, और उसका मेकअप करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको सैटिस्फेक्शन नहीं होता था। उसका मेकअप करना, उसे प्रॉपर सैटिस्फाइड करना, उसे एक अच्छे तरीके से उसके साथ मतलब ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तभी वहाँ पर वो आरोही को बोलती है कि वो उसका मेकअप करे, क्योंकि आरोही ने एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पर एक इवेंट हो रहा था और उसकी मेकअप आर्टिस्ट, मतलब वो जो मेन लीडिंग एक्ट्रेस है, उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने बहुत गंदा मेकअप कर दिया था, जिसकी वजह से उसने उसे ऑन द स्पॉट फायर कर दिया और कहा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे मेकअप पे। तभी वहाँ पर इतना प्रॉब्लम हो गया था, तभी कश्मीरा ने कहा था, प्लीज़ तू उससे उसका मेकअप कर दे यार, वरना वो पूरा तूफान मचा देगी। तभी आरोही ने बोला, यार देख, उसे जब इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप पसंद नहीं आया तो मेरा क्या आएगा। तो वहाँ पर मतलब कश्मीरा कहती है, देख आए या ना आए, पर ट्राई तो कर ले यार, तू देख ले यार, मेरी तो इज्जत का सवाल है, प्लीज़ ऐसे मत कर। और ऑफकोर्स उसकी दोस्त की इज्जत का सवाल था, तो हमेशा से आरोही अपनी फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड थी। तो वो जाती है, उसका मेकअप करती है, और अनफॉर्चुनेटली उसे उस मेकअप आर्टिस्ट को उस पर भी गुस्सा बहुत जम के आ जाता है, और वो चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें क्या मेकअप करना नहीं आता। लेकिन वो उसे आरोही को भी धक्का देकर चली जाती है, क्योंकि उसका डांस का इवेंट था, वो डांस करने चली जाती है। और जब सबके सब उसकी, वो जब डांस जीत जाती है, तब सब लोग उसको बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, और इवन जज भी ये बोलता है कि आज आपका जो फेस है वो ग्लो इतना अच्छा हो रहा है, और आपने ये जिस तरीके से लाइट मेकअप किया है ये इतना सूट कर रहा है, और आपके एक्चुअल एक्सप्रेशंस जो थे पूरे के पूरे दिख रहे थे, और ये मेकअप इतना सिंपल था और इतना ब्यूटीफुल था, इफ़ेक्टिव था, कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सारी चीज़ें जब आरोही अपने मतलब
आरोही ने ही तो मेकअप किया था और आरोही एज अ मेकअप आर्टिस्ट सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। भले उसे इस बात की खुशी नहीं होती है कि ये बंदी बोलेगी या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बट उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी तारीफ हुई है। तभी वहाँ से वो लड़की कहती है थैंक यू मैम, और वो बहुत एरोगेंट और मतलब ज़्यादा डांसर अच्छी रहती है, लाइफ में अचीवमेंट करे हैं तो थोड़ी सी इकोइस्टिक एरोगेंट रहती है। और वही लड़की फिर आरोही के पास जाके बोलती है थैंक यू, तो आरोही बोलती है इट्स ओके मैम, और ऐसे बोल के जा रही थी। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है मेरे सारे आज से जितने भी अगर डांस के जो भी होंगे उसकी मेकअप तुम ही करोगी, और मेरा मैनेजर तुमसे बात कर लेगा, वो तुम्हें साइन कर देगा, कश्मीरा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कश्मीरा बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तभी आरोही बोलती है मुझे प्रॉब्लम है इस एरोगेंट लड़की के साथ, मुझे मेकअप नहीं करना है। पर कश्मीरा उसके हाथ को होल्ड करती है, बोलती है बे प्लीज़ यार, ये बहुत बड़ी इंसान है यार, मैं छोटी मोटी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, अगर इसने कुछ हरकतें कर दी तो मेरा करियर भी डूबेगा, तेरा करियर भी डूबेगा, इसको नो कोई नहीं बोल सकता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड पे, थोड़ा सा तो करना है कर लेना। और जिसमें आरोही के पास कुछ जवाब नहीं होता है और आरोही ये सब चीज़ों के लिए हाँ बोल देती है। अब जब करंट सिनेरियो चल रहा रहता है, करंट टाइम में अब इवेंट होने वाला रहता है, वो लड़की फटाक से आकर बैठ जाती है और आरोही को इशारा करती है कि आओ मेरा मेकअप करो। आरोही चुपचाप जाकर अब उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। आरोही बहुत प्यार से उनका मेकअप कर रही रहती है और कशिश तो रहती है, अपनी आंखों से सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रही रहती है। आरोही बहुत प्रोफेशनल इस तरीके से कर रही रहती है, वो एक एक चीज़ों को बहुत क्लीन तरीके से मेकअप करती है। जब उसके लिपस्टिक की बारी होती है तो वो बहुत प्यार से लिपस्टिक लगाती है, शेडो जो आई शेडो होती है वो अच्छे से करती है, ब्लश अच्छे से करती है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको बहुत प्यार से एकदम बहुत अच्छे से तरीके से वो हर एक एक चीज़ कर रही रहती है, बहुत ध्यान दे के करती है। ये देख कर वहाँ पर जो वो एक्ट्रेस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी वो एक्ट्रेस कि अगर उसे कोई भी देखे तो 5 मिनट तक 10 मिनट तक तो कोई देखते ही रह जाएगा, पर हमारी आरोही की एक नज़र भी उसके फेस या उसकी कोई भी चीज़ पर नहीं जाती है, सिर्फ उसका फुल डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क रहता है। और आरोही की यही चीज़ बहुत खास थी कि जब वो अपने काम पर फोकस होती थी कर रही थी। अश्विनी वहाँ पर खड़े होकर दूर से आरोही को देख रही थी और आरोही को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। तभी एकदम से जो वो कशिश रहती है, जो वो एक्ट्रेस रहती है उसका नाम कशिश रहता है, उसका ऐसी एकदम से नज़र जाती है, वो अश्विनी की तरफ जाती है। अश्विनी भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, बहुत हॉट थी, लेकिन वो एक चीज़ नोट करती है कि जो अश्विनी है वो आरोही को कुछ अलग नज़रों से देख रही है, मतलब उसकी नज़रें कुछ अलग ही थी और वो बहुत प्यार से उसे एकदम से स्माइल करते हुए ध्यान से देख रही थी और बहुत प्यार से देखे जा रही थी और वो मुस्कुराती जा रही थी, थोड़ी दूर से वो और देखे जा रही थी। तभी जो कशिश होती है वो एकदम से आरोही की तरफ देखती है और फिर वो अश्विनी की तरफ देखती है। तभी आरोही एकदम से बोलती है मैम, तो वो कहती है कि हाँ आरोही बोलो, तो कहती है आप प्लीज़ अपना हेड ऐसे रोटेट मत करिए, मेकअप बिगड़ जाएगा, सो आप प्लीज़ कॉन्स्टेंट देखेंगे। तो कहते वेट 1 मिनट, वो कौन है? तो कहती कौन? वो लड़की तुम्हें ऐसे घूर घूर के देख रही है वो कौन है? तो वो कहती ओह वो मेरी फ्रेंड है, उसको आप छोड़िए, आप इधर देखिए, और ऐसे करके वो देखने लगती है। तभी वो पूछती फ्रेंड है तुम्हारी? तो अब आरोही को गुस्सा आ रहा रहता है, अब आरोही का गुस्सा इतना बढ़ने जैसा हो जाता है कि एक तो साला मैं तेरा मेकअप कर रही हूँ और ऊपर से तू मुझसे फालतू के सवाल पूछे जा रही है, ऊपर से अभी मेकअप थोड़ा इधर उधर होगा तो 4 गालियाँ मुझे ही सुनाएगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है और वो अश्विनी पे तो वो वैसे भी भड़की रहती है क्योंकि अश्विनी की हरकतों से, और कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं उलझी रहती है कि उसे अश्विनी पसंद थी और बचपन से ही पसंद थी उसे अश्विनी, और उस अश्विनी से वो प्यार करती है, ये बात को वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो उसके जो पूरा का पूरा जो टाइम रहता है वो ऐसी उलझनों में रहता है। तो तभी वो बोलती है मैम प्लीज़ अवॉइड ना, इधर देखिए आप, और ऐसे करके करने लग जाती है, पूरा मेकअप बहुत अच्छे से रहता है। अश्विनी जो रहती है वो बस आरोही की तरफ देखे जा रही थी
और बहुत प्यार से, तभी जो आरोही एकदम से रुकती है और बैग में ना कुछ ढूंढना लगती है, तभी अश्विनी उसके बाजू में जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो कहती है यार ब्लश नहीं दिख रहा है, तो कहती है रुको रुको। तो फिर वो उसका बैग लेती है, बहुत प्यार से उसके बैग के आगे की चेन ओपन करती है और वहाँ से वो निकाल के देती है। तभी आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है थैंक यू, और उसकी तरफ कुछ नहीं बोलती है। तो अश्विनी उसकी तरफ स्माइल से रिप्लाई करती है यू आर वेलकम, तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए मुझे बता दो, मैंने ही सारी चीज़ें रखी हैं तुम्हारे बैग पे। और ये चीज़ यहाँ से कशिश भी होकर देख रही थी। अब कशिश को तो कुछ अजीब ही लग रहा था इन दोनों को देखकर, पर जो आरोही रहती है वो उसको अच्छा तो लग रहा रहता है कि यार अश्विनी उसका कितना ख्याल रखती है कि उसके खुद की मेकअप की चीज़ें अगर वो भूल जाए तो, पर अश्विनी उसकी एक एक चीज़ों को बहुत प्यार से रखती है। थोड़ी देर में वो रुकती है और फिर बोलती है तो तभी अश्विनी पूछती है अब क्या ढूंढ रही हो, तो कहती ग्लिटर, तो कहती है वेट। तो फिर वो बैग के दूसरे साइड पे जाती है, वहाँ से वो ग्लिटर निकालती है और कहती है ये रहा। तो फिर वो ग्लिटर लगाने लगती है और बहुत प्यार से, अब ये चीज़ कशिश थोड़ी थोड़ी देर में देखे जा रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मेकअप अच्छे से हो जाता है, तो वो बोलती है मैम देख लीजिए मेकअप में। तो वो कहती है नहीं मेकअप तो अच्छा हुआ है लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्लश जो था वो थोड़ा डार्क चाहिए। तो आरोही पूछती है आर यू सीरियसली मैम थोड़ा सा डार्क, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है मैंने कहा मुझे डार्क चाहिए। तो आरोही बोलती है ओके मैम। तो वो वहाँ पर वो खड़ी होके मेकअप सोच रही रहती कि क्या करूँ, डार्क चाहिए भूतनी बना दूँ क्या, अभी उसके दिमाग में चल नहीं रहता है। तभी वो बैग की तरफ देख रही रहती है, तभी वहाँ से जो अश्विनी होती है वो बैग की चेन दूसरी ओपन करती है और वहाँ से एक लिक्विड वाला जो रहता है वो निकालती है और कहती है इससे यही ढूंढ रही हो। तो आरोही उसे बोलती है और वो थोड़ा सा लिक्विड निकालती है और उसको थोड़ा सा मिक्स करती है, बेस बनाती है वॉट एवर, और उसे बनाकर वो उसे बहुत प्यार से लाइटली वहाँ पर टचअप देती है, जिसकी वजह से उसका मेकअप ख़राब भी नहीं दिखता है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिखता है। कहते हैं ना कि मेकअप करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, तो वो इतने प्यारा मेकअप करती है कि वो मेकअप में वो दिखती भी बहुत ब्यूटीफुल है और सुंदर है, और साथ ही साथ वो गंदा भी नहीं दिख रहा रहता है, बहुत प्यार से बहुत सुंदर तरीके से बनाती है, मतलब करती है। थोड़ी देर में अब जो कशिश को वो मिरर देती है और मिरर वो ऐसे देखती है अपनी तरफ और देख के बोलती है नाउ दिस इज परफेक्ट। कशिश ये बोलती है कि नाउ दिस इज परफेक्ट। तो आरोही बोलती है ओके मैम, और तभी अश्विनी बोलती है, अश्विनी साइड हो जाती है क्योंकि वहाँ से जो कशिश हो रही रहती है वो उठ रही रहती है। उठकर वो एकदम से आरोही की आंखों में देखकर बोलती है तुम बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो। तो जिसमें आरोही बोलती है थैंक यू, और ऐसे कह के वो जो उसके लिप होती है उस लिप पे अपने लिप रख देती है और वो बहुत लाइट किस करते हुए बोलती है थैंक यू बेब, और ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अश्विनी के तो ऐसे की आंखें ऐसी फटी सी फटी रह जाती है, उससे ज़्यादा आंखें किसी की फटी होती है तो वह आरोही की होती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और उससे ज़्यादा आंखें अगर किसी की फटी होती है तो वह कश्मीरा की होती है कि ये दोनों के साथ क्या हो गया है और ये हो कैसे गया, वो भी कशिश इस तरीके से किस करे। वो मेन डांसर है, वो एक अलग ही लेवल की बंदी है और वो इस तरीके से हरकत करे, बाप रे। यहाँ पर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जो आरोही होती है वो अश्विनी की तरफ देखती है और अश्विनी का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, वो अपसेट हो जाती है, और आरोही बोलती है मैं वॉशरूम से आती हूँ, और ऐसे कह के वो वॉशरूम चली जाती है। आरोही जब वॉशरूम में जाती है और अपने लिप पे टच करती है तो उसे एक अजीब सी स्माइल आती है चेहरे पे, क्योंकि यार कोई सडनली से उसे इस तरीके से किस करे तो थोड़ा अलग ही था ना, मतलब क्यूट तरीके से था, प्यारा सा था, मतलब एक अंदर से ना एक अच्छी सी वाइब्स भी बहुत प्यारी आ रही थी कि उसको कि यार अच्छा लग रहा था यार ये भी तो अच्छी है, मतलब उन्हें उन दिनों की याद आ जाती है कि जब इस तरीके से उसे फर्स्ट टाइम किसी ने किस किया था और वो कोई और नहीं वो उसकी खुद की जैकलीन थी जब उन दिनों उसने किस किया था, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लग जाती है।
थोड़ी देर में जो हमारी आरोही रहती है वो बाहर आती है, और अश्विनी जो रहती है वो अपसेट होकर ना वहाँ चुपचाप जाकर बैठ जाती है। तभी कैशमीरा बोलती है, क्या हुआ बेब, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई ये देखकर। तो वो कहती है, क्या शॉक्ड हो गई तुम? तो कहती है, दिस किस। तो वो कहती है, यार मुझे भी नहीं पता चला कि उसने मुझे सडनली से किस कर दिया। तो वो कहती है, हाँ हाँ पर इस किस से किसी की तो बहुत जम के जली है। तो वो कहती है कि किसकी? तो वो कहती है, ऑफकोर्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जलेगी ना। तो वो कहती है, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है, उप्स उधर देखो सारा, वो कितनी अपसेट होकर जाकर बैठ गई है, जैसे कि तुमने उससे उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छीन ली है। तो कैश बोलती है, पता नहीं इसको इतना फ़र्क क्यों पड़ा है जबकि इसको लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो कहती है, बेब उसमें तुम में इंटरेस्ट है, ये बात तुम कब समझोगी? तो वो कहती है, यार ऐसा नहीं है, उसे नहीं है इंटरेस्ट मुझ पर, तू कुछ भी मत कर। उतनी देर में वहाँ पे एक लड़का आता है और आकर अश्विनी के साइड में बैठ जाता है और बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल। तो अश्विनी एकदम से अपनी नज़रें उधर साइड में करते हुए बोलती है, यस। तो वो कहती है कि हे माय नेम इज़ करण, करण मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। तभी अश्विनी उसकी देखते हुए बोलती है, सॉरी मैंने नहीं सुना। तो वो कहता है, ओके बेब अब सुन लो, करण मेहरा मेरा नाम है, मैं यहाँ का मेन लीडिंग डांसर हूँ इस इवेंट का और बहुत अच्छा डांस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ डांस होने के बाद भी मेरे पास सारी स्टेप्स रहती है और मैं बहुत अच्छे से अपनी स्टेप्स को कर लेता हूँ, मैं कभी फिसलता नहीं हूँ, पर तुम्हें देखकर तो मैं फिसलते ही जा रहा हूँ, क्या करूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? ये लाइन जब अश्विनी सुनती है तो एकदम शॉकिंग तरीके से उसकी तरफ देखती है, बोलती है, तुम ऐसे ही बात करते हो या मैं कोई स्पेशल हूँ? तो वह कहता है, तुम ही स्पेशल हो बेब, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? और ये आरोही और कैश दूर से देख रहे थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कौन किसको जलस करा रहा है, अश्विनी जलस कराएगी या अश्विनी जलस होगी, अब ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।